Assalamu alaikum dear students, I welcome you all to my nursing and medical classes. तो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थे स्टूडेंट्स से. एज़ यू नो कश्मीर में अभी एग्ज़ाम होने वाला है JNM एंड BSc नर्सिंग क्लासेस का, तो उनसे बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रही थी रिगार्डिंग गेस्ट पेपर. तो फॉर दैट आज मैंने एक सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लेके आए हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का. तो बात करते हैं गेस्ट की. द फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में सम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में. एंड फ्लूड मोज़ेक मॉडल इज अनदर क्वेश्चन. फंक्शन ऑफ सेल, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. चैप्टर नंबर सेकेंड से बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथीलियल टिशू. ये एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में. फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड डिसफंक्शन, ये तीन क्वेश्चन भी इस चैप्टर नंबर सेकंड से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं. तो लिम्फैटिक सिस्टम की बात करते हैं. लिम्फैटिक सिस्टम में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन. कार्डियोवैस्कुलर चैप्टर से बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कार्डिक साइकिल, ब्लड सर्कुलेशन दैट इज जनरल सिस्टमैटिक पल्मोनरी सर्कुलेशन विद फ्लो चार्ट, ब्लड प्रेशर, ये फोर क्वेश्चंस बनते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक एंड फंक्शंस, फंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड फंक्शन. देखिए अगर बात करते हैं एनाटॉमी की, मैंने सारे क्वेश्चन एनाटॉमी के रखे हैं एज वेल एज इसके साथ इंक्लूड है फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी का भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी क्वेश्चन 40-50% पूछे जाएंगे, एंड एज वेल एज जो एनाटॉमी है उसमें भी 50% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों को ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो वहाँ पे ये सारे वो सारा आपको इंक्लूड हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में. नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में. फेजेस ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो अगर बात करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में आपका क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फंक्शन, थायराइड ग्लैंड एंड फंक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम में. सेंसरी ऑर्गन्स में तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड फंक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंस ऑर्गन्स में. नर्वस सिस्टम की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन, CSF with function, cerebrum and function, enlist cranial nerves, difference between sympathetic and parasympathetic nervous system, Broca's area, ये कुछ important question है जो nervous system में बनते हैं आपके exam में पूछा जाएगा. ठीक है, तो skeletal system की बात करते हैं. skeletal system is structure of long bone, composition of bone, ribcage and function, pelvic girdle. पेल्विक गर्डल पे नोट आ जाएगा, नोट के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. साइनोवियल जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे. तो मैंने ये प्रिसाइज करके कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके आपको दिया है इस गेस्ट पेपर में. तो अगर स्टूडेंट्स और भी पढ़ना चाहते हैं, और भी डीप पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं तो उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान इन क्वेश्चंस पे दे सकते हैं क्योंकि इसमें से 90 और 80% क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस एग्ज़ाम में. थैंक यू.